हेलो एंड वेलकम टू ऑल रूम किचन डॉट कॉम। मैं हूं सुमित हिरानंदानी। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं एक एक्सक्लूसिव जबरदस्त न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट पुणे के ताथौड़े लोकेशन से, जहां पे स्पेशियस एंड प्रीमियम 2 BHK एंड 3 BHK फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। क्योंकि ये एक न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव लॉन्च बेनिफिट्स, ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। जो लोग करंटली यहाँ पे बुकिंग्स कर रहे हैं उन्हें मॉड्यूलर किचन ट्रॉली विथ चिमनी और AC यूनिट्स इन बेडरूम्स दे रहे हैं। साथ ही साथ एडिशनल 2 लाख रुपीज़ का डिस्काउंट भी स्पॉट बेनिफिट के हिसाब से यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। अगर आप एक न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट देख रहे हैं वाकड़, ताथोड़े या पुनावले लोकेशन में, तो आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एक बार चेक जरूर करें। चलिए क्विकली प्रोजेक्ट डिटेल्स को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। 5.5 एकर्स के फ्री होल्ड लैंड पार्सल पर यह पर्टिकुलर प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, जिसमें 6 हाई राइज टावर्स रहने वाले हैं। बेसमेंट ग्राउंड एंड पोडियम पे आपको कवर्ड कार पार्किंग्स दी जाती है, उसके ऊपर 17 रेसिडेंशियल फ्लोर्स यहाँ पे दिए जाते हैं। करंटली 2 टावर्स ओपन कर दिए हैं बुकिंग के हिसाब से, जिसमें से एक टावर एक्सक्लूसिव 3 BHK फ्लैट्स का टावर है, जहां पे आपको पर फ्लोर सिर्फ 4 कॉर्नर 3 BHK फ्लैट्स देखने को मिल जाते हैं। एंड जो दूसरा टावर है उसमें आपको पर फ्लोर 8 फ्लैट्स दिए जाते हैं। सेंटर के जो 4 फ्लैट्स है ये आपको 2 BHK फ्लैट्स मिल जाएंगे, कॉर्नर के 4 फ्लैट्स आपको कॉर्नर 3 BHK फ्लैट्स के हिसाब से इस पर्टिकुलर टावर में दिए जाते हैं। एम्प्टीज वाइज इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में सारी की सारी एम्प्टीज दी हुई है, इंक्लूडिंग स्विमिंग पूल। साथ साथ मैं आपको पोजीशन वाइज बताऊं तो यहाँ पे आपको December 2027 में इसका पोजीशन डेफिनेटली मिल जाएगा। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट महारेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कोई भी लिटिगेशन नहीं है। बिल्डर्स के बारे में बताऊं तो रेप्यूटेड डेवलपर्स इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं, 13+ ईयर्स की लेगेसी रखते हैं इनके। करंटली मार्केट में 3+ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। लोकेशन वाइज बताऊं तो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वेल कनेक्टेड है विथ अवंद्रावेद BRTS रोड, पुणे मुंबई हाईवे, भूमकर चौक, डांगे चौक, वाकड़, पुनावले, रावत एज वेल एज हिंजेवाड़ी IT पार्क के साथ वेल कनेक्टेड है। काफ़ी सेंट्रली लोकेटेड ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आ जाता है और इसी वजह से आपको यहाँ पे ढेर ऑप्शंस मिल जाएंगे स्कूल्स, कॉलेजेस, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स एंड मॉल्स के हिसाब से। चलिए क्विकली प्राइसिंग एंड साइजिंग को भी डिस्कस कर लेंगे। 2 BHK 747 स्क्वायर फीट एंड 757 स्क्वायर फीट कारपेट के अवेलेबल है, जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम 77 लाख ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड्स। 3 BHK भी 2 वेरिएंट के यहाँ पे अवेलेबल है, 1050 स्क्वायर फीट एंड 1134 स्क्वायर फीट कारपेट एरियाज के, एंड जिसकी प्राइसिंग 1.09 करोड़ ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। प्राइजेस रीजनेबल है एंड प्राइजेस नेगोशिएबल भी है, आपको बेस्ट प्राइस डील hallroomkitchen.com की तरफ से डेफिनेटली मिल जाएगी। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, इसकी फर्दर इंक्वायरी एंड साइट विजिट करना चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी प्रॉपर्टी कंसल्टिंग सर्विसेज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, साथ ही साथ कोई भी ब्रोकरेज इन्वॉल्व नहीं है, तो आप हमें बेफिक्र होकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए क्विकली सैम्पल फ्लैट का टूर कर लेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुणे की बेस्ट से बेस्ट वेरीफाइड न्यू लॉन्च प्रॉपर्टीज़ हम आप सभी के लिए लगातार लाते रहेंगे, तो आपके चैनल हॉल रूम किचन को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्विकली सैंपल फ्लैट का टूर कर लेंगे। 1134 स्क्वायर फीट कारपेट का 3 BHK सैंपल यहाँ पे रेडी है। आप जैसे ही फ्लैट के पास में आते हो आपको एक ब्रांडेड कंपनी का वीडियो डोर फोन इंस्टॉल करके दिया जाएगा, प्लस मेन डोर के साथ आपको डिजिटल लॉक का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से दिया जाता है। वुडन लैमिनेटेड डोर्स आपको यहाँ पे मेन डोर के हिसाब से दिए जाते हैं। सभी के सभी जो डोर्स है ये राउंडेड एजेस वाले डोर्स आपको मिल जाएंगे, प्लस रबर गैसकेट की पैडिंग भी करके दी जाती है। मेन डोर से आप जैसे ही अंदर आते हो हर एक फ्लैट के साथ आपको एक डिसेंट साइज की एंट्रेंस लॉबी यहाँ पे दी जाती है। आप इस पर्टिकुलर जो वॉल है यहाँ पे आप डेकोरेटिव आर्टिफैक्ट प्रॉपरली इंस्टॉल कर सकते हो, प्लस मेन डोर के पीछे आपको काफ़ी इनफ स्पेस मिल जाती है जहाँ पे आप प्रॉपरली शू रैक की अरेंजमेंट कर पाते हो। एंट्रेंस लॉबी से आप जैसे अंदर आओगे आपको एल शेप में ग्रैंड लिविंग एंड डाइनिंग एरियाज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एक बार नीचे आप टाइल्स भी देख लीजिए, इसी तरीके की ग्रैंड साइज डिजाइनर टाइल्स आपको एंटायर फ्लैट में यहाँ पे डेवलपर्स करके दे देते हैं। डाइनिंग स्पेस कम्प्लीटली सेपरेट आपको मिल जाता है, जिसे हम आगे की तरफ कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको लिविंग पोर्शन एक्सप्लेन करना चाहूँगा। 17x11 साइज का स्पेशियस एंड स्प्रेड आउट आपको लिविंग एरिया यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बड़े आराम से आप यहाँ पे बड़े साइज का सोफा यूनिट सेटअप कर सकते हो, बीच में सेंटर टेबल रख सकते हो, एंड सामने की तरफ जो वॉल है यहाँ पे आप बड़ा सा वॉल माउंटेड जो है टेलीविजन यूनिट इंस्टॉल कर सकते हो, प्लस डेकोरेटिव आर्टिफैक्ट भी आपके इंटीरियर के हिसाब से यहाँ पे बना सकते हो। साथ ही साथ आपको एडिशनली यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस देखने को मिल जाती है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप चाहें तो देवघर या मंदिर यूनिट का भी अरेंजमेंट प्रॉपरली कर सकते हो, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे आपका लाइब्रेरी यूनिट या फिर वर्क फ्रॉम होम डेस्क अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो उसके लिए आपको काफ़ी अच्छे से स्पेस वहाँ पे मिल जाती है। बेस्ट बात है लिविंग के साथ आपको अटैच्ड बालकनीज दी जाती है, बड़े से स्लाइडिंग डोर्स आपको दिए जाते हैं जहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन आपको लिविंग पोर्शन में मिलता रहेगा। आ जाइए क्विकली बालकनी पोर्शन को चेक कर लेंगे। 11x5 साइज़ की स्पेशियस बालकनीज आपको लिविंग पोर्शन के साथ दी जाती है, जो प्रॉपरली 3 साइड कवर्ड आपको बालकनीज मिलती है। नीचे कुछ इस तरीके के एंटी स्किड टाइल्स आपको बालकनी एरियाज में दिए जाते हैं, एंड बेस्ट बात है टफन ग्लास के रेलिंग के अरेंजमेंट आपको यहाँ पे मिल जाती है, तो बाहर का प्रॉपर व्यू वेंटिलेशन आप प्रॉपरली यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। प्लस बाहर की तरफ आपको बालकनी एरियाज में स्विच बोर्ड्स भी दिए जाते हैं, तो बाहर बैठ के आप
वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं या फिर होम जिम वगैरह भी प्रॉपरली कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट को चेक करेंगे। आ जाइए, इस तरफ आपको मिल जाता है प्यारा सा एंड स्पेशियस आपका डाइनिंग स्पेस। प्रॉपरली आप यहाँ पे 6 सीटर का आपका डाइनिंग अरेंज कर सकते हो। प्लस आप आपके इंटीरियर्स में चाहें तो यहाँ पे भी आप देवघर या मंदिर यूनिट इंस्टॉल करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर स्पेस मिल जाती है, या फिर आप चाहें तो इस पर्टिकुलर वॉल पे भी आप डेकोरेटिव आर्टिफैक्ट्स या फिर देवघर मंदिर घर यहाँ पे प्रॉपरली इंस्टॉल कर सकते हो। तो काफ़ी स्पेशियस आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको डाइनिंग एरिया का अरेंजमेंट मिल जाता है एंड डाइनिंग से लगा हुआ इस तरफ आ जाता है स्पेशियस 9x13.5 साइज का एल शेप प्लेटफॉर्म के साथ स्प्रेड आउट आपको किचन एरियाज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बेस्ट बात है, जो लोग अभी यहाँ पे बुकिंग्स कर रहे हैं उन्हें मॉड्यूलर किचन ट्रॉलीज इंस्टॉल करके डेवलपर्स दे देंगे, प्लस चिमनी यूनिट भी इंस्टॉल करके दे देंगे। तो अगर आप अभी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को विजिट करते हैं, बुकिंग कराते हैं, तो ये एडिशनल आपको यहाँ पे बेनिफिट्स लॉन्च के हिसाब से आपको मिल जाते हैं। आई क्विकली मैं अरेंजमेंट की आपको यहाँ पे बात करना चाहूँगा। यहाँ पे आ जाता है आपका स्पेस, सेपरेट स्पेस जहाँ पे आप चाहें तो आपका जो है वाइट गुड्स आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर फ्रिज आप यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर फ्रिज के लिए आपको एक एडिशनल स्पेस अलग से दी जाती है वहाँ पे भी आप रख सकते हैं, उसे मैं आगे आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये आ जाता है आपका सर्विस प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप मिक्सर ओवन ग्राइंडर रख सकते हैं, या फिर इसे आप एज ए चॉपिंग प्लेटफॉर्म के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल स्विच बोर्ड्स आपको यहाँ पे डेवलपर्स दे देते हैं। यहाँ पे आपका कुक टॉप आ जाएगा, चिमनी टी आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। काफ़ी बड़ी सी स्पेस आपको मिल जाती है, तो ओवरहेड किचन कैबिनेट्स आप बड़े से यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। 2 सिंक यहाँ पे आपको डेवलपर्स देते हैं, एक सिंक आपको यहाँ पे मिल जाता है किचन के अंदर जिसे आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वॉश करने के हिसाब से यूज़ कर सकते हो, और एक सिंक आपको ड्राई बालकनी में मिल जाता है जहाँ पे आप डर्टी यूटेंसिल्स वगैरह प्रॉपरली जो है वॉश कर सकते हो। ये जो दो आप सेपरेट आउट किए हुए वॉल्स यहाँ पे देख रहे हैं ये कस्टमाइजेबल वॉल्स है, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो वैसे भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। इसे हटा के आप चाहें तो आपके इंटीरियर्स में यहाँ पे पार्टीशन कर सकते हैं। इस तरफ आपको अलग से स्पेस मिल जाती है जहाँ पे आपका जो है वॉशिंग मशीन का अरेंजमेंट आप प्रॉपरली यहाँ पे कर सकते हो, उस हिसाब से आपको स्पेस मिल जाती है। एक बार आप इस पर्टिकुलर सिंक को भी देख लीजिए, सिंक काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे यूटेंसिल्स वॉश करने के हिसाब से मिल जाता है। नीचे आप चाहें तो स्टोरेज स्पेस भी यहाँ पे प्रॉपरली क्रिएट कर सकते हैं, और ये एक और स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो बड़ा सा डबल डोर का अगर आपको फ्रिज इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में बड़ी सी स्पेस मिल जाती है। स्पेशियस आप देख लीजिए यहाँ पे 13.5x9 साइज का किचन एरिया यहाँ पे मिल जाता है विथ मॉड्यूलर किचन ट्रॉलीज एंड चिमनी। आइए अब एक एक करके तीनों बेडरूम्स को एक्सप्लोर करेंगे। इस तरफ आ जाता है आपका फर्स्ट बेडरूम, इसे आप एज ए किड्स बेडरूम के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। स्पेशियस बेडरूम्स आपको इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में देखने को मिल जाते हैं। इसकी अगर मैं साइजिंग की बात करूँ तो 12x10 साइज़ का ये आपको स्पेशियस किड्स बेडरूम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको बड़ी सी विंडोज़ की अरेंजमेंट देखने को मिल जाती है जहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन आपको किड्स बेडरूम में मिलता रहेगा। नीचे फिक्स्ड ग्लास पोर्शंस मिल जाएंगे एंड ऊपर स्लाइडिंग विंडोज़ की अरेंजमेंट विद मॉस्किटो मेश आपको दिया जाता है। प्रॉपरली आप आपके किड्स के हिसाब से यहाँ पे बेड, वार्डरोब, टॉयज सेक्शन एंड एज वेल एज स्टडी टेबल की अरेंजमेंट प्रॉपरली कर सकते हैं। आइए बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट की तरफ। इस तरफ आ जाता है कॉमन वॉश एरिया जहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन स्पेस यहाँ पे बाहर की तरफ मिल जाएगा। नीचे आप एडिशनल स्टोरेज स्पेस चाहे तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। और ये आ जाता है कॉमन वॉशरूम जहाँ पे ये आ जाता है कमोड एरिया, और इस तरफ आ जाता है आपका बेडिंग एरिया। डिजाइनर कलर कॉम्बिनेशन के टाइल्स आपको मिल जाएंगे। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो सीपीवेयर सैनिटरी वेयर यूज़ किए गए हैं ये आपको प्रीमियम सेल्स के जैगुआर या सेरा कंपनी के मिल जाएंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट की तरफ। ये आ जाता है आपका सेकंड बेडरूम। इस पर्टिकुलर बेडरूम को आप एज ए पेरेंट्स बेडरूम के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इसकी अगर मैं साइजिंग की बात करूँ तो 12x11 साइज़ का एक अच्छे साइज़ का पेरेंट्स बेडरूम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बड़े आराम से आप यहाँ पे क्वीन साइज़ का बेड अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। दोनों साइड पर आप साइड टेबल्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए आप देख लीजिए, आपको बड़ी सी विंडोज़ यहाँ पे दी जाती है। नीचे ग्लास पोर्शन जो है ये फिक्स्ड मिलेंगे एंड ऊपर आपको स्लाइडिंग विंडोज़ की अरेंजमेंट यहाँ पे दी जाती है। इस पर्टिकुलर वॉल पे आप चाहें तो कुछ इस तरीके से वॉल माउंटेड टीवी यूनिट इंस्टॉल कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से कैबिनेट्स बना सकते हैं, लाइब्रेरी यूनिट इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये पर्टिकुलर वॉल पे आपको काफ़ी बड़ी सी स्पेस मिल जाएगी जहाँ पे आप बड़ा सा वार्डरोब यूनिट भी अच्छे तरीके से आपके पेरेंट्स के हिसाब से बना सकते हैं। और इस तरफ आपको स्पेशियस अटैच्ड वॉशरूम्स आपको मिल जाते हैं। बड़ा सा प्लेटफॉर्म माउंटेड आप देख लीजिए बेसिन स्पेस आपको मिल जाता है, ये कमोड स्पेस, और ये आ जाता है आपका बेडिंग एरिया। डिजाइनर कलर कॉम्बिनेशन के आपको टाइल्स मिल जाएंगे। काफ़ी बड़ा सा प्लेटफॉर्म यहाँ पे देने की वजह से आपको जो है बेडिंग यूटिलिटीज़ रखने के लिए भी स्पेस मिल जाती है, और नीचे आप काफ़ी एडिशनल स्टोरेज स्पेस भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आइए बढ़ेंगे थर्ड बेडरूम की तरफ जो है आपका मास्टर स्वीट। आप जैसे इस पर्टिकुलर बेडरूम में एंटर करते हो आपको एंट्रेंस पे ही यहाँ पे आ जाता है आपका वॉशरूम, मास्टर वॉशरूम आप जिसे कह लीजिए। यहाँ पे भी आप देखिए डिज़ाइनर कलर कॉम्बिनेशन के आपको टाइल्स मिल जाएंगे। बेडिंग एरिया यहाँ पे आपको मिल जाता है, ये आ जाता है वॉल माउंटेड कमोड स्पेस, और प्लेटफॉर्म माउंटेड आपको डिज़ाइनर जो है बेसिन स्पेस दिया जाता है।
प्रीमियम सीरीज़ के यहाँ पे आपको जैगुआर के फिटिंग्स इंस्टॉल करके दिए जाते हैं। आ जाइए और इस मास्टर वॉशरूम से आप जैसे ही आगे आते हो, ये आ जाता है आपका 13x12 साइज़ का स्प्रेड आउट मास्टर बेडरूम। काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे आपकी फर्नीचर की अरेंजमेंट हो सकती है। स्पेशियस बेडरूम होने की वजह से आप यहाँ पे किंग साइज़ का बड़ा सा बेड ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। दोनों साइड पे आप साइड टेबल्स ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप चाहे तो ड्रेसर यूनिट इंस्टॉल कर सकते हो। वर्क फ्रॉम होम स्टेशन अगर आपको इंस्टॉल करना है तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर स्पेस मिल जाती है। ये पर्टिकुलर जो वॉल है यहाँ पे और यहाँ पे आपको काफ़ी इनफ स्पेस मिल जाती है। तो आपका बड़ा सा वार्डरोब अगर आपको यहाँ पे बनाना है, हिज वार्डरोब सेपरेट रखना है, हर वार्डरोब सेपरेट रखना है, तो उसके लिए भी काफ़ी इनफ स्पेस मिल जाती है। प्लस आप चाहें तो बड़ा सा वॉल माउंटेड टीवी यूनिट भी इंस्टॉल कर सकते हो। उस हिसाब से आपको काफ़ी स्पेस इस पर्टिकुलर मास्टर बेडरूम में मिल जाती है। 13x12 साइज़ का ये मास्टर बेडरूम आपको मिल जाता है विथ अटैच्ड बालकनी। आइए क्विकली बालकनी को भी चेक करेंगे। इन स्लाइडिंग डोर्स को यूज़ करके आप बालकनी को एक्सेस कर पाते हो। अच्छे साइज़ का देख लीजिए, आपको 8x6 साइज़ का ये आपको बालकनी एरिया मिल जाता है। टफन ग्लास का रेलिंग का अरेंजमेंट आपको मिल जाएगा, तो बाहर का प्यारा सा व्यू, वेंटिलेशन आप एंजॉय कर पाते हो। नीचे एंटी स्किड टाइल्स मिल जाती है। एंड अगेन ये भी बालकनी प्रॉपर थ्री साइड कवर्ड बालकनी आपको मिलती है, तो प्राइवेसी के हिसाब से भी आपको काफ़ी बढ़िया से ये बालकनी मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको एक स्विच बोर्ड इंस्टॉल करके दे देते हैं डेवलपर्स। आ जाइए बढ़ेंगे लिविंग डाइनिंग एरिया की तरफ। अगेन आ जाइए, तो कुछ इस तरीके के आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको 1134 स्क्वायर फीट कारपेट एरियाज के 3 BHK फ्लैट्स देखने को मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सैंपल फ्लैट पसंद आया होगा। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं एंड करना चाहते हैं इसकी फर्दर इंक्वायरी एंड साइट विजिट, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करें साइट विजिट करने के लिए, ज़रूर आएँ। या फिर अगर आप पुणे वेस्ट में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, हो सकता है आप न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं या फिर नियरिंग पोजिशन प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, तो आप उसके लिए भी हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिव्यू वीडियो में। फॉर मोर वीडियोज फ्रॉम hallroomkitchen.com आप इन बटन्स पे क्लिक जरूर करें। अगर आप पुणे वेस्ट में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर करें। हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टी कम से कम टाइम में एंड बेस्ट से बेस्ट प्राइस पॉइंट पे दिलवाएंगे। ये हमारी कमिटमेंट है।